भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई उठाओ ठीक हो ना। वो देखना आंटी बिठाई हुई है बंदे ने, देखना कैसे बाइक चला रहा है, देख रहे हो कैसे भगा रहा है बंदा। सो हे गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब भाई, तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई मैं भी ठीक हूँ। तो भाई जब भी ना ज़्यादा मैं अकेला होता हूँ तो मैं चलते चलते ना अपना इंटरव्यू शूट करता हूँ, मतलब कि चलते चलते ना मैं व्लॉग स्टार्ट कर लेता हूँ। भाई सोहेल भाई किसके साथ आए हैं? और सोहेल भाई ने अपनी सॉरी ओ भाई ओ भाई उठाओ 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 ओ भाई क्या हो गया? ओहो भाई गलत सीन हो गया यार। ओ यार ठीक हो ना? हॉस्पिटल ले जा। नहीं डालता कोई सीन नहीं है। इधर से पीछे से ले जाना, इधर ले आया यार। बत्रा हॉस्पिटल पास है, बत्रा ले जा। बत्रा क्या गिरा डाल। सो भाई ये जो क्लिप है ना, ये चांद भाई व्लॉग पे गया था तो उसके साथ ऐसा इंसिडेंट हो गया। उसके साथ नहीं हुआ लेकिन उसके दोस्तों के साथ, तो इसलिए वो आज व्लॉग पे नहीं आया। तो मैंने सोचा बता देता हूँ आप सभी को। तो सिद्धरा वाली साइड जाके देखते हैं, अच्छा सा व्लॉग बना के आते हैं और इधर से निकलते हैं। पहले तो यार डबल गाड़ी जा रही है और रास्ता नहीं मिल रहा आगे निकलने का। भाई बाइक देख लो मेरी कितनी गंदी हो रखी है, देखो इधर कितनी डस्ट पड़ी हुई है यार। तो आज मैं सोच रहा था कि धो लूँ और टाइम ही नहीं लगा यार। तो अभी जैसे मैं व्लॉग ख़त्म करके आऊँगा ना तो फिर जाके ना वॉश कर लूँगा, और वॉश करके ना मुझे अपनी बाइक बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि ट्रैफिक पता नहीं क्यों है यार, गाड़ियाँ रोक रखी है सारी, एक ही रोड खुला है ये वाला ही। तो इधर से निकलते हैं यार, ये भी रोड पता नहीं कब बंद कर देंगे यार। हो जा लाला साइड पे यार, शीशे में ना देख रहे होते हैं लेकिन फिर भी ना गाड़ी नहीं साइड पे करते हैं। तो आगे मेरे R15 जा रही है। बंदे ने यार जो टेल टाडी लगवाई हुई है ना नंबर प्लेट वाली, वो मेरी मनपसंद की नहीं है, बाकी बाइक तो मेरी मनपसंद की है। बाइक अच्छी है यार। वो बंदा भाई पेंट की जिप बंद कर रहा था, सीधा ठुकने लगा था इसमें, देख रहे हो कैसे भगा रहा है बंदा। आगे ट्रैफिक वाले भी है बॉस। तो रुकते हैं इधर सिद्धरा जाने के लिए हम। बंदा तो उस साइड चला गया यार, सिद्धरा जाता तो अच्छा रहता। गाइस अभी पहुंच गया हूं मैं सिद्धरा रोड पे। अभी कोई है नहीं है यार दोस्तों, वैसे गाड़ियां दिख रही है मुझे, और स्टंट पॉइंट पे भी कोई नहीं है पीछे मैंने देखा तो। चलो यार आज ना मेरी बाइक की ना टॉप स्पीड चेक करते हैं क्या रहती है। अभी तो मैंने सर्विस करवाए हुए भी बहुत दिन हो गए, फिर भी इसकी ना टॉप स्पीड चेक कर लेते हैं। भाई मैं आया था नेस्कैफे के पास तो मैंने सोचा थोड़ा सा आगे चक्कर लगा के आते हैं। तो भाई अब जा रहा हूँ मैं वापस यार, अकेले राइड मारने का भी ना बहुत मज़ा आता है। कभी अकेले आके देखो यार, बहुत मज़ा आता है यार, बंदा खुले आम ना खुले दिल से यार राइड करता है। तो भाई मेरे आगे ना अवेंजर बाइक जा रही है और हेलमेट ना किसी ने भी नहीं लगाई हुई यार। वो देखना आंटी बिठाई हुई है बंदे ने, देखना कैसे बाइक चला रहा है यार, स्लो चल रहा है बंदा। वो देख लो ना हेलमेट लगाई बंदा, अपनी वाइब ले रहा हो, और पीछे आंटी भी यार देखो कैसे पकड़ के रखा हुआ है, और आंटी डर रहे हैं बिल्कुल। और जो सेंटर में बंदा बैठा हुआ ना उसकी आंखों में भी ना आंसू आ रहे हैं, इतनी स्पीड में बंदा बाइक चला रहा है यार। तो यार कम से कम इन चीज़ों का ध्यान रखा करो कि यार अपने पेरेंट्स होते हैं ना पीछे, तो यार उनका ही ध्यान रखा करो, ऐसे ऐसे करवाते हैं ना सिद्धरा में। हाँ बंदा मेरी तरफ देख के और रेस देने लग गया, शर्म कर लो यार, पीछे आंटी बैठे हुए हैं, ना हेलमेट लगाई है तीनों में से किसी ने भी। चलो यार भगवान हर एक को ठीक ठाक रखे, तो निकलते हैं अब यहाँ से यार। अब ना टायरों की ग्रिप ना थोड़ी ठीक हो गई हुई है, मतलब कि टायर भी गर्म हो गए हुए हैं तो लीन करने का भी अब मज़ा आ रहा है, और ग्रिप भी बन गई हुई है टायरों की। टायर तब भी यार ग्रिप पकड़ते जब ना टायर गर्म हो जाते हैं। वैसे तो आपको पता मैं लीन छीन करता नहीं हूँ यार, सब बंदे साथ हो तो, जब अकेला हो ना फिर करता हूँ मैं थोड़ी बहुत, वो भी मतलब कि अपनी नॉलेज के लिए, और उतना ही कि जितना मैं कर सकूँ बस।
और ये सिद्रा वाला ना रोड सबसे गंदा रोड माना जाता है, और इधर ना एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं, भगवान करे कभी किसी का हो ना, लेकिन यार इधर फिर भी ना लोग सब अपनी आंखों के सामने देखते हैं, फिर भी इधर हेलमेट वगैरह लगा के कुछ नहीं आते हैं। लेकिन ये देखो यार, पहले तो छोटा नाका था, अब इन्होंने बड़ा कर दिया हुआ है। ओ यार, मुझे लग रहा है कि इधर बहुत तगड़ा नाका लगा करेगा आगे, क्योंकि अभी तक तो चलो इधर ठीक ही था सिस्टम, अब आगे यार जो भी नाका लगेगा बहुत गंदा वाला। इधर मुझे जहाँ तक कि देखने से लग रहा है ड्रम वगैरह लगा दिए हुए हैं, बैरियल वगैरह ज़्यादा लगा दिए हुए हैं, पहले कम थे। अब तो निकलते हैं घर, आ गया हूँ मैं सिटी वाली साइड। कोई बात नहीं यार, बंदा इशारा कर रहा था कि भाई स्लो चल, आराम से आगे। पता नहीं दिख रही होगी इसमें या नहीं, सर इशारे करी जा रहे कि आ जा आ जा आ जा, तेरा तसल्ली से ना आराम से तेरा चलान काटते हैं, बाइक सीज करते हैं तेरी आराम से। मुझे देखो कैसे बुला रहे हैं भाई, मैं तो रुका हुआ हूँ कि बस सिग्नल खुल जाए। फिर तो यही सर थे जो कि मैं उधर खड़ा था और मुझे बुला रहे थे। जैन साहब ये देखना, बुड्ढा लड़की को देखी जा रहा है, बुड्ढा लड़की को देख और आगे भी देख और बुड्ढा लड़की को देखी जा रहा है, आगे नहीं देख रहा है। कर लो मैडम साइड पे, मैडम शीशे में देख रही है। और वो देखो वो रेस कैसे घुमाई कैसे करके मैडम ने, मैडम स्कूटी आई है कितना ही भागेगी। और ये पता नहीं मैडम ने साइड पे क्या बांधा हुआ है वो देखो। अच्छा अच्छा वो लगता होगा ना साथ उसके, तो आवाज़ करता होगा। मैडम ने पूरी रेस ना मतलब ऐसे कर दी हुई है पूरी यार ये ट्रैफिक पता नहीं क्यों लगा हुआ है भाई, रोड बंद होने की वजह से देख रहे हो मैं कहाँ से जा रहा हूँ, और नीचे नहर है यार डर ही लगता है। तो भाई निकल रहा हूँ अब मैं घर पे, तो कमेंट करके बताना आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में।